नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं काफ़ी अच्छा वीडियो है। एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है दोस्तों, और एप्लीकेशन है स्पेशली वो जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट होते हैं, जो स्टैट्स को पढ़ते हैं और जो जिनका सब्जेक्ट है, और दोस्तों जो जिनका सब्जेक्ट नहीं है और जिन लोगों को आईटी में आगे चलकर अपना फ्यूचर बनाना है, और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये सभी आपने नाम सुने होंगे। इन सब में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स की जो है ज़रूरत पड़ेगी, और स्टैट्स में जो है ये क्योंकि बिग डेटा की जब बात आती है और हमें जब डेटा पर काम करना होता है तो हमें कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, और दोस्तों स्टैट्स को कैसे सीखा जाएगा, उसके लिए आज हम एक एप्लीकेशन लेकर आए हैं। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही कम समय में आपको जो है ये स्टैट्स से जुड़ी हुई जानकारी आपको देता है। ये देखिए स्टैटिस्टिक्स नोट्स आप ये देख रहे हैं दोस्तों, और ये जो एप्लीकेशन है ज़्यादा बड़ा नहीं है, काफ़ी अच्छा। इसके अंदर आपको देखने के लिए जो मिलेंगे वो चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, कैसे ये सीखा जाएगा दोस्तों। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको यहाँ इसे ओपन करना है। देखिए दोस्तों, ओपन कर लिया है। की नोट्स फॉर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट फॉर CBSE NCERT स्टूडेंट्स आर गिवन हियर। जो NCERT की बुक में दिया होता है वही यहाँ पर आपको चैप्टर्स में दिखेगा दोस्तों। ये देखिए, जैसे कि हम आगे चलते हैं और स्टार्ट स्टडी चैप्टर 1 एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड, और आप जैसे जैसे यहाँ जाते जाएंगे देखिए ये चैप्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीडियन, अर्थमेटिक मोड, अर्थमेटिक रेंज, बार ग्राफ, बेस्ट पॉइंट एस्टिमेशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैक स्कोल्स मॉडल, और ये बॉक्स प्लॉट्स, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसी के साथ दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर टेबल, सर्कुलर परम्यूटेशन, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये दोस्तों इनके अंदर मान लीजिए आपको ये कोहेंस कैपा कोफिशिएंट के अंदर चलना है, तो आप स्टार्ट स्टडी पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसी के साथ इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला को भी डिस्क्राइब किया गया है, और यहाँ पर एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, और उस एग्जाम्पल में समझाया गया है कि ये जो कैपा कोफिशिएंट थ्योरम है ये किस तरीके से काम करती है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में, आसान भाषा में ये यहाँ पर सब लिखा हुआ है, और ये देखिए दोस्तों जैसे ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है आप यहाँ से बैक आएंगे, नीचे आपको कुछ ऐड दिख रहे होंगे क्योंकि ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस कारण से इसमें ये देखिए दोस्तों कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है तो आप स्टार्ट स्टडी पर जाएंगे। यहाँ कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ ऑल और पार्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रिगार्ड टू द ऑर्डर इन विच ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड। फॉर्मूला दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया है स्टेप्स वाइज किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा ये हमें एप्लीकेशन लगा, हमें लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, और ये क्यूम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, आप इसको पढ़ना चाहते हैं आप स्टार्ट स्टडी पर जाएंगे, यहाँ पर लिख दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, और यहाँ कैसे कैलकुलेशन की गई है ये आपको समझाया गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इसको आप अपने जो भी दोस्त हो, जो भी फैमिली फ्रेंड्स हो जिन्हें स्टैटिस्टिक्स के नोट्स चाहिए हों, कहीं से पढ़ने का वो सोच रहे हों, वो चाहते हों कि उन्हें भी ये सब्जेक्ट आना चाहिए, ये सारे वर्ड्स और ये सारी थ्योरी, थ्योरम, सैम्पलिंग सब आना चाहिए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी आने वाला है। बिग डेटा की जो डिमांड बढ़ रही है दोस्तों, डेटा की कैलकुलेशन इससे ही होकर निकलती है, और सारी कैलकुलेशन इसी के ऊपर दोस्तों निर्भर है। आप देख सकते हैं इसमें जो चैप्टर्स मैं आपको यहाँ ट्रैक करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए 50-51, और इसके अंदर कितने सारे चैप्टर्स हैं, यहाँ एक एक पेज के लिए ये चैप्टर दिए हुए हैं भले ही, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा डेटा इस एप्लीकेशन ने बनाया हुआ है। और देखिए ये अभी तक जो चले आ रहे हैं दोस्तों, पाई चार्ट जो है 120 चैप्टर पर जाकर ख़त्म हुआ है, ये लास्ट है। पाई चार्ट पर आप क्लिक करें, पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन दी गई है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए आपके वीडियो कैसा लगा, और भी दोस्तों को आप बता सकते हैं। हम हर दिन आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, नए नए एप्लीकेशंस लेकर आ रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।